इस प्रॉब्लम में हमें राइफल से बुल्सआई टारगेट करना है। 45.7 मीटर दूर रखे राइफल और टारगेट अगर कोलिनियर हो, तो अगर राइफल से बुलेट 460 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फायर की जाए, तो ग्रेविटी की वजह से बुलेट कुछ इस तरह की ट्रेजेक्ट्री बनाएगी और टारगेट को मिस कर देगी। तो इस प्रॉब्लम में हमें ये बताना है कि राइफल को किस एंगल पे सेट किया जाए जिससे बुलेट टारगेट के ठीक सेंटर में लगे। तो अब राइफल को किसी एंगल पे इस तरह सेट किया जाएगा तो बुलेट इस तरह के पाथ पे मूव करती हुई इवेंचुअली टारगेट को हिट कर जाएगी। तो प्रॉब्लम आपको पता ही है, हमें राइफल का एलिवेशन एंगल बताना है। मान लीजिए कि ये एलिवेशन एंगल थीटा है और बुलेट की वेलोसिटी V0 है, जिसकी वैल्यू प्रॉब्लम में पहले ही गिवन है। V0 का हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट V0 cos थीटा, जबकि इसका वर्टिकल कॉम्पोनेंट V0 sin थीटा होगा। जैसा कि हम अक्सर प्रोजेक्शन मोशन के केस में करते हैं, इस केस में भी हम दी गई इंफॉर्मेशन की मदद से वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस के लिए सेपरेट इक्वेशंस डेवलप करेंगे। आइए पहले हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की इक्वेशन देखते हैं। हमें पता है कि हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट 45.7 मीटर और वेलोसिटी V0 cos थीटा है। हम जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी और टाइम का प्रोडक्ट होता है। आइए इसे मैथमेटिकल फॉर्म में लिखते हैं। हमें ये इक्वेशन मिलेगी। मान लीजिए कि ये इक्वेशन 1 है। आइए अब वर्टिकल डायरेक्शन के लिए दूसरी इक्वेशन देखते हैं। इस केस में बुलेट ऊपर जाती है और फिर उसी लेवल पे वापस आती है, इसलिए बुलेट का वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। सेकंड इक्वेशन डेवलप करने के लिए हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट 0 है, इनिशियल वेलोसिटी इंटू टाइम माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पे हमें ये एक्सप्रेशन मिलेगा, जिसे सॉल्व करके रीअरेंज करने पर ये फाइनल इक्वेशन मिलेगी, जिसे हम इक्वेशन नंबर 2 मार्क कर लेंगे। इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 से टी की वैल्यू डी अपॉन V0 cos थीटा सब्स्टिट्यूट करने पे हमें ये एक्सप्रेशन मिलेगा, जिसे हम अगर रीअरेंज करके सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें ये फाइनल एक्सप्रेशन मिलेगी। प्रॉब्लम में हमें V0 और डी की वैल्यूज पहले ही दी गई है। इस एक्सप्रेशन में ये वैल्यू पुट करके सॉल्व करने पे हमें थीटा 0.0606 डिग्री मिलेगा। तो राइफल को जब इस एंगल पे सेट किया जाएगा तो बुलेट पहले तो ऊपर जाएगी, लेकिन फिर ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से नीचे आके टारगेट को हिट करेगी। तो आपने इस लेसन में क्या सीखा? किसी कोलिनियर टारगेट को अगर आप सीधा हिट करेंगे तो ग्रेविटी के कारण बुलेट एक कर्व बनाती हुई नीचे की तरफ आएगी और टारगेट मिस कर देगी। क्वेश्चन में एक्चुअली हमें ये बताने के लिए कहा गया था कि टारगेट से राइफल बैरल कितना ऊपर उठाया जाए जिससे बुलेट डेड सेंटर को हिट करे। थीटा हमने पहले ही कैलकुलेट किया है, इसलिए हम डिस्टेंस एल पता करने के लिए इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। इसमें बेस को उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू से रिप्लेस किया गया है। एक्सप्रेशन में थीटा की वैल्यू पुट करके सॉल्व करने पे हमें एल की वैल्यू 4.84 सेंटीमीटर मिलेगी। ये एक्चुअली बहुत छोटी वैल्यू है ना?